सीतापुर में दिख रहा है हर हर मोदी घर घर मोदी जैसा माहौल। सभा स्थल पर पहुंच रहे लाखों लोग। यूपी के सीतापुर में अब से बस कुछ देर बाद ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर सीतापुर के मिलिट्री ग्रास फॉर्म पर उतरने वाला है। सभा स्थल पर लगातार लोगों की भीड़ का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी का ये सीतापुर का पहला चुनावी दौरा है। मोदी के आने से यहाँ की जनता पर क्या फर्क पड़ेगा, इस पर हमारे रिपोर्टर रविंद्र सक्सेना ने कई लोगों से भी वार्ता की। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सीतापुर लगा है। हमारे सीतापुर क्षेत्र का सौभाग्य है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर कार्यक्रम मिला। यहाँ की जनता में बहुत उत्साह है। हमारे महोली विधानसभा से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं सीतापुर, और मोदी जी को हालांकि पूरा देश सुनता है और यहाँ का सौभाग्य जनता में बहुत उत्साह है कि सामने से आज मोदी जी को सुनने का सौभाग्य मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से धौरहरा लोकसभा, सीतापुर लोकसभा, लखीमपुर लोकसभा, मिश्रित लोकसभा, ये चारों सीटें एक तरफा जीत जाएंगी। ऐसी लहर चलेगी मोदी जी के आने से। इस बार आप देखना पूरे देश में 300 के ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। यहाँ की जनता जो है माननीय मोदी जी के आने से सब पूरा समाज जो सारे समाज के लोग जो हैं सब मोदी जी के पक्ष में हैं। मोदी जी को सुनने के लिए व्याकुल हो रहे हैं और मोदी जी की बात को सुन करके सारे समाज को मोदी जी के जो बातें हैं उनको सुनने के बाद में किसानों के हित में उन्होंने जो कार्य किया है और व्यापारियों के हित में कार्य किया है और सारे समाज के लिए जो कार्य किया है उससे जनता बहुत उत्साहित है और जनता सारे देश में मोदी लहर चल रही है। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं सारे देश के लिए कर रहे हैं और देश का दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, इसलिए जनता जो है मोदी जी को बहुत ढेर पसंद कर रही है और सारी जनता जो है मोदी जी के पक्ष में पूरी आंधी सी चल रही है। जनपद सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ लगे थे। आज की रैली निश्चित रूप से 29 तारीख को लखीमपुर, हरदोई और जो 6 मई को सीतापुर चुनाव होने वाले हैं, इन सीटों पर मोदी जी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं विधानसभा महोली और पूरे लोकसभा धौरहरा जनपद सीतापुर की जनता अपने अपने किराए से अपने अपने साधन से इस तरीके से पहुंच रही है जैसे उनका बिल्कुल एक तरफ से वो सब जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। जनता मोदी मोदी चिल्ला रही है कि मोदी के अलावा हम किसी को वोट नहीं देंगे। जो राष्ट्रहित की बात करे, देश हित की बात करे, मैं उसको इस चुनाव में भारी बहुमत से जिताऊंगा। जनता चुनाव लड़ रही है मोदी जी का, कोई प्रत्याशी यहाँ पर नहीं लड़ रहा। पूरे सब मनोवेग से पूरी जनता लग चुकी है और निश्चित रूप से आने वाले यही तारीखों में लोकसभा चुनाव में 75-80% मतदान होने जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जनपद में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में सीतापुर के आसपास मिश्रिक, धौरहरा, सीतापुर और मोहनलालगंज चार लोकसभा संसदीय क्षेत्र पड़ते हैं। उन सभी में मोदी जी की लहर चल रही है और अधिकांशता मतलब सभी चारों स्थानों पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो भारी बहुमत से विजयी होंगे। यानी जो धौरहरा और रेखा वर्मा जी हैं, राजेश वर्मा जी, अशोक रावत जी और कौशल किशोर जी, ये हमारे चारों सांसद पुनः जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।